आखिरकार आज राजस्थान के रण में कई दिग्गजों की प्रतिष्ठा धूमिल होती नजर आई, तो कई नए रणबांकुरों ने इतिहास ही रच दिया। और सबसे बड़ा इतिहास रचा भगवाधारी भाजपा ने, जिसने राजस्थान को एक बार फिर भगवा मई कर दिया। कांग्रेस के तमाम दावों और वेलफेयर स्कीम्स के तोहफे भी प्रदेश की जनता को लुभाने में नाकामयाब रहे। यही नहीं, सूबे के जागरूक मतदाता की संवेदनाओं और आम जरूरतों से जुड़े मुद्दे भी कांग्रेस ने इन चुनाव में उठाए थे, लेकिन कांग्रेस फिर भी सरकार नहीं बचा पाई। भाजपा को एमपी छत्तीसगढ़ के साथ राजस्थान में भी बहुमत मिल गया। जीत है तो जश्न भी निश्चित होगा, लेकिन राजस्थान में भाजपा की यह जीत कुछ दिग्गजों के लिए मातम का सा माहौल लेकर भी आई। कुछ दिग्गज तो वो हैं जो चुनावी रण में बड़े पद और कद के लिए जाने जाते रहे हैं। वे इस बार चुनाव हार गए हैं, फिर वे चाहे कांग्रेस के हों या बीजेपी के। सबसे पहले कांग्रेस की बात करेंगे। जीत के लिए अति आत्मविश्वास में रहने वाले कांग्रेस के कैबिनेट मिनिस्टर प्रताप सिंह खाचरियावास चुनाव हार गए हैं। पत्रकार गोपाल शर्मा ने अपने पहले ही चुनाव में सिविल लाइन से उन्हें अप्रत्याशित हार दिखा दी। इसके अलावा बीकानेर पश्चिम से कांग्रेस सरकार में शिक्षा मंत्री रहे बीडी कल्ला भी चुनाव हार गए। उन्हें भाजपा के जेठानंद व्यास ने शिकस्त दी। मेवाड़ वागड़ इलाके में एक बार फिर से बीजेपी का परचम फहराता नजर आ रहा है। यहां नाथद्वारा से विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी चुनाव हार गए। उनके सामने भाजपा ने इस बार मेवाड़ राजघराने के विश्वराज सिंह मेवाड़ को उतारा था, जो चुनाव जीत गए। राजसमंद से भाजपा की दीप्ति माहेश्वरी भी चुनाव जीत गई। इसके अलावा कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव वल्लभ को उदयपुर शहर से चुनाव में उतारा गया था कांग्रेस के द्वारा, लेकिन वे हार गए चुनाव। और अशोक गहलोत के खासम खास माने जाने वाले बाबूलाल नागर को भी प्रत्याशित हार का सामना करना पड़ा। उनको प्रेमचंद बैरवा है भाजपा के, उन्होंने हराया है चुनाव में। इसके अलावा कैबिनेट मंत्री रघु शर्मा जो रहे हैं कांग्रेस में, उनको शत्रुघ्न गौतम ने चुनाव हरा दिया केकड़ी से। हालांकि टिकट मिलने से लेकर जमीनी चुनाव लड़ने वाले कांग्रेस सरकार में सीनियर मिनिस्टर कैबिनेट मंत्री शांति धारीवाल एक बार फिर से चुनाव जीत गए हैं। इसके अलावा महिला बाल विकास मंत्री रही ममता भूपेश भी चुनाव हार गई हैं। उद्योग मंत्री रही गहलोत सरकार में शकुंतला रावत भी चुनाव हार गई। भाजपा की अगर बात करें तो भाजपा को भी काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा। सबसे बड़ा नुकसान पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया और दिग्गज नेता राजेंद्र राठौड़ की हार को माना जा रहा है, क्योंकि पूरे चुनाव में अहम किरदार निभाने वाले राठौड़ और पूनिया इस जीत का पूर्ण सुख भोगने से शायद वंचित रह जाएंगे। इसके अलावा नरपत सिंह राजवी को चित्तौड़गढ़ से चुनाव मैदान में उतारना भी भाजपा का गलत निर्णय साबित हुआ। भाजपा के बागी चंद्रभान आक्या ने उन्हें चुनाव हरा दिया। इसी तरह भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी में कई महत्वपूर्ण पदों पर रह चुके रामलाल शर्मा भी चौमू से चुनाव हार गए। उन्हें कांग्रेस की शिखा मील ने शिकस्त दी। शिव विधानसभा सीट पर जीत का परसेप्शन पहले से ही तैयार कर चुके, देश और प्रदेश में हलचल भी मचा चुके भाजपा के बागी रविंद्र सिंह भाटी चुनाव जीत गए हैं। एक बात को लेकर इन चुनाव में चर्चा जोरों पर रही कि राजस्थान में राज बदलेगा या रिवाज, लेकिन हर बार की तरह यहां एक बार फिर राज बदल गया और रिवाज एक बार फिर ज्यों का त्यों कायम रहा। हालांकि कांग्रेस आखिर तक दावे करती रही कि सरकार को लेकर प्रदेश की जनता में किसी भी तरह की एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। परिणाम सबके सामने है। वैसे इस बात को नहीं बुलाया जा सकता है कि खुद अशोक गहलोत इस बात को मान रहे थे और करीब कुछ माह पहले उन्होंने कहा भी था, करीब 2 माह पहले, कि इस बार विधायकों के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है लेकिन सरकार के खिलाफ नहीं। ग्राउंड जीरो पर जब हमने बात की तो ऐसी बात सामने भी आई कि जो वोटर्स की मंशा है वो गहलोत के काम को तो सराह रही थी, लेकिन पेपर लीक, महिलाओं से जुड़े अपराध और विधायकों के मनमाने रवैये से कहीं ना कहीं वोटर आक्रोशित था। चुनाव प्रचार के आखिरी दौर में भाजपा के स्टार प्रचारकों ने खूब जोर लगाया। खुद पीएम मोदी ने भी कई जनसभाओं और रोड शोज में हिस्सा लिया। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय मंत्री अमित शाह समेत भाजपा के कई दिग्गज यहां डेरा डालकर भी बैठे। इन चुनाव में भाजपा ने पेपर लीक मामले में सबसे ज्यादा कांग्रेस को हर मंच से घेरा। महिलाओं पर हो रहे अपराधों में इजाफे के मामले में भी कांग्रेस घिरती नजर आई। वहीं एक बार फिर सनातन और हिंदुत्व कार्ड खेलकर भाजपा ने कांग्रेस के तमाम आकलनों पर पानी फेर दिया। तो राजस्थान में अब कमल खिल गया है, लेकिन इस कमल के दंड को यहां कौन संभालेगा मुख्यमंत्री बनकर, यह सबसे बड़ा सवाल होगा। जल्दी भाजपा विधायक दल की बैठक बुलाने की खबरें सामने आ रही है, संभवतः मंगलवार को हो सकता है, लेकिन सीएम के चेहरे को लेकर एक नया पेज फंसने की पूरी संभावना है। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।